नमस्कार दोस्तों, रीड आईएएस में इस मूल अधिकार के एपिसोड कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग अनुच्छेद 19 और प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात के संबंधों और राष्ट्रीय आपात के विषय में बातचीत करेंगे। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि किस तरह के संबंध राष्ट्रीय आपात से अनुच्छेद 19 के हैं। पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में कुछ बात जान लें। राष्ट्रीय आपात कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, इसके बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए गए। तीन इसके आधार हुआ करते थे, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक चुनौतियां या आंतरिक इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अगर कुछ विषय होता है तो उस केस में हो सकता है। ये इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत चेंज किया गया और अब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह में तब्दील कर दिया गया। तो ये तीन आधार अब हैं। पहले जब राष्ट्रीय आपात लागू होता था तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी हुआ करती थी, वो यह कि यदि प्रधानमंत्री कैबिनेट के कॉन्सेंट से, पहले जब मैं पहले कह रहा हूँ तो इसका तात्पर्य 44वें संशोधन से अर्थात 1978 से पहले की स्थिति का वर्णन है। उस समय तक यह पक्ष था कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के सहमति से यदि राष्ट्रीय आपात के लिए अपेक्षा करता है तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो सकती है। किंतु यह ध्यान रहे कि संविधान में लिखने से सब कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री की जो शक्ति है संसदीय प्रणाली में, वो इतना सशक्त आर्बिट्रेटर और निर्णायक के जैसा है जो कायदे से मंजूरे प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय आपात अब तक लागू हुआ है। अगर हम लोग इसके लिए कुछ उदाहरण देखें तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात जो लागू हुआ वह 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने आक्रमण किया था और अभी भी लोग कहते रहे, तात्कालिक रक्षा मंत्री क्रिस मेनन वो कह रहे थे कि पहले ही से आपात लागू किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं चाहे तब तक नहीं हो पाया। अर्थात मंत्रिमंडल के कॉन्सेंट का कोई बहुत महत्व तो नहीं है और वह 26 अक्टूबर 1962 से ही हुआ। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की प्रोक्लेमेशंस किया और वह भी किसी को कुछ पता नहीं था। जब बांग्लादेश में हमारी एयरफोर्स चली गई तब दिसंबर के महीने में अक्सर संसद सत्र में होती है, सीधे प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा में जा करके उन्होंने घोषणा किया, तभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को पता चला कि हम लोग राष्ट्रीय आपात पर हैं। और अभी ये दूसरा आपात यानी 3 दिसंबर 1971 से ये आपात चल ही रहा था, तब तक 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर एक तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया। उस समय जो तात्कालिक राष्ट्रपति थे उनकी नियुक्ति में इंदिरा जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति जी ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट से कोई कॉन्सेंट बहुत नहीं लिया है, उन्होंने इस प्रोक्लेमेशन को साइन कर दिया। यह सब तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद अत्यधिक सशक्त और सत्ताधारी होता है। इसके लिए जो भी प्रावधान उसमें लिखे गए हैं वह संविधान में वह पर्याप्त नहीं है। अब जब 75 से 77 के बीच में एक तरह से अतिवादिता का सहारा लिया गया और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि जब भी राष्ट्रीय आपात लागू होता है अनुच्छेद 352 से तो अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाता है और 20-21 को छोड़कर अन्य अधिकार भी समाप्त किए जा सकते हैं, उसके लिए उद्घोषणाएँ होती हैं। लेकिन 44वें संशोधन से यह परिवर्तन किया गया और आज की तारीख में जो विषय वस्तु है वह यह तथ्य पहले ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्रीय आपात तब लागू होगा जब प्रधानमंत्री लिखित रूप से, यह ध्यान रहे कि पहले लिखित रूप से नहीं था, लिखित रूप से अपने मंत्रिमंडल से सहमति लेता है और राष्ट्रपति को इसकी सलाह देता है तभी राष्ट्रीय आपात लागू होगा। और अगर
आधार की बात करें तो पहले तीन आधार होते थे, बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। उसमें एक परिवर्तन किया गया, आंतरिक अशांति के जगह पर अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। जब भी आर्म्ड रिबेलियन होता है तब अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा। तो यह एक तो कुछ तथ्यात्मक और कुछ ऐसे विषय थे जिसमें हमें अपने कुछ विचार ऐसे बनाने चाहिए। आज की तारीख में भी जब लिखित रूप से वर्णन है, विद्यार्थियों को यह बात समझना चाहिए कि आज भी प्रधानमंत्री की जैसी स्थिति है, उस केस में सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री के हाथ में है। जब भी आपके पास बड़े बहुमत होते हैं, आप जानते हैं 16वीं लोकसभा में 30 साल के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला है, प्रधानमंत्री का जनता पर प्रभाव है, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, लोकसभा राज्यसभा में उनके दल के लोग सभापति और अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव पिछले साल 2017 में हुआ है, वो उसी पार्टी से रहे हैं जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। तो जब इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं तो सामान्यतः एक सक्रिय और सशक्त प्रधानमंत्री की सरकार वो हो जाती है। आज भी अगर राष्ट्रीय आपात जैसी स्थिति होगी तो मंत्रिमंडल से लिखित रूप से सहमति लेना यह एक औपचारिकता भर ही है। इसलिए सब कुछ संविधान में जो प्रावधान है उससे ही नहीं होते, जो बाहरी परिस्थितियां हैं और तमाम विषय हैं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। किंतु 75 से 77 के बीच में जो हुआ शायद अब वो नहीं हो पाएगा। उसका कारण सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे घटक जिसमें लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, नागरिकों में जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ा है, सिविल समाज और प्रेशर ग्रुप के जिस तरीके से प्रभाव बढ़ते चले जा रहे हैं, अब ऐसी संभावनाएं नहीं हैं कि अनुच्छेद 19 का निर्बंधन आँख बंद करके कर दिया जाएगा। इसलिए यह उतना चिंता का विषय नहीं है। किंतु आज भी यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारतीय लोकतंत्र में इस प्रकार के तत्व समाहित हैं कि जब भी एक पार्टी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है तो अनुच्छेद 19 थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अतः मीडिया को, न्यायपालिका को, आम नागरिकों को अत्यधिक संवेदनशीलता बरतते हुए एक सक्रियता रखने की आवश्यकता है और आलोचनात्मक चिंतन को बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्य बनाए रखा जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग फिर एक दूसरे विषय पर बातचीत करेंगे। थैंक्स।